टिहरी जिले में भी कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है और इस दौरान जिला अस्पताल बौराड़ी और संयुक्त अस्पताल नरेंद्र नगर में आज वैक्सीनेशन शुरू किया गया। वहीं पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन कराने के चलते अस्पताल बौराड़ी में महिला डॉक्टर राखी गुसाई ने पहला टीका लगवाया। इस मौके पर टिहरी के जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि वैक्सीनेशन की शुरुआत महिला डॉक्टर से की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में स्वास्थ्य विभाग की मांग के अनुसार 7,160 वैक्सीन दी गई है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन को लेकर सीएमओ ने विभाग की ओर से अस्पतालों में भी पूरी तैयारी किए जाने की बात कही है। क्या रहेगा आज? आज अभी पहला टीकाकरण टिहरी जिले में हुआ और जो जैसा लग रहा है बिल्कुल सफल है और ये देखने में आया यहाँ पर कि बिल्कुल ही नारी शक्ति का यहाँ पर एक तरीके से वर्चस्व था, क्योंकि जो वैक्सीन लगा रहे थे वो सारी महिलाएं थी। जिन्होंने पहला टीका कराया वो महिला है, सीएमओ हमारी महिला थी, तो बिल्कुल ही मतलब एक बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से जा रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही पॉजिटिव मैसेज इस जिले से भेजेंगे। और इसी तरीके से आज करीब 100 लोगों का टीकाकरण होगा, पूरी व्यवस्था यहाँ पर बहुत अच्छी बनी हुई है। और मैं यही बोलना चाहूँगी समस्त देशवासियों को जिले के लोगों को, ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है, इसे लगाने से मुझे कोई भी परेशानी नहीं हुई है जैसे बाकी वैक्सीन वैसे ये वैक्सीन है। और ये टीका लगाने से हमारे देश को इस महामारी से निजात मिलेगी और स्वस्थ रहेंगे, यही विश्वास में जगाना चाहती हूँ सब लोगों में। और मुझे आशा है कि सब लोग जो है आगे आकर आज हमारे जनपद में जो है जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में जो है हमारे वहाँ पर टीकाकरण प्रारंभ हो गया है। जैसे कि आपने खुद ही अभी देखा है कि हमारे वहाँ पर डॉक्टर राखी ने जो है पहला टीकाकरण करवाया है और वो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, कोई ना कोई परेशानी नहीं है। इससे एक पॉजिटिव मैसेज भी गया है कि हमारे वहाँ पर जो टीका इस टीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी वैक्सीनेट कराना चाहते हैं अपने को वो बिल्कुल निश्चिंत होकर वैक्सीनेशन करवाएं। हर खबर में होगी हमारी नज़र, खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।